1838 महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का एक व्यस्तम चौराहा बाजार में रोज की तरह चहलकदमी थी। तभी अचानक सुनो 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 शहरवासियों सुनो, ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक फरमान आया है, जो कोई भी राघोजी भांगरे को पकड़ने में सरकार की मदद करेगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। राघोजी भांगरे जिंदा या मुर्दा, सुनो सुनो सुनो। आखिर कौन है ये शख्स और क्यों अंग्रेज सरकार इसे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी रकम दे रही है? हेलो फ्रेंड्स, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। राघोजी भांगरे भारत के इस वीर अमर से क्रांतिकारी का जन्म मराठा साम्राज्य के ग्राम देवगांव में हुआ था। 1838 में राघोजी भांगरे ने रतनगढ़ किले और सोनागढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार इससे बहुत ही परेशान होकर तमाम कोशिशें करने लगी। कुछ अपने ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुखबिरी के कारण उनके 80 साथी पकड़े गए, जिसमें उनका भाई बापूजी भांगरे भी शामिल था। लेकिन अंग्रेजों के हाथ राघोजी भांगरे नहीं लगे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन पर 5,000 का इनाम घोषित कर जिंदा या मुर्दा लाने को कहा। राघोजी भांगरे को अपना गिरोह चलाने के लिए पैसे की बड़ी किल्लत आने लगी, किंतु उनके अदम्य साहस और वीरता को देखकर लोग उन्हें गुप्त रूप से मदद करने लगे। 1844-45 में उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। वे लगातार अंग्रेजों के खजाने पर हमला बोलते रहे और लोगों में जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों की सहायता करते रहे। लोग उन्हें मसीहा के रूप में पूजने लगे और अंग्रेज उनके नाम सुन सुनकर थरथर कांपने लगे। पुरंदर में लेफ्टिनेंट जेल की अगुवाई में ब्रिटिश रेजिमेंट से मुठभेड़ के दौरान राघो घायल हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान 13 अप्रैल 1848 का दिन उनकी फांसी के लिए तय हुआ, लेकिन तय तारीख के दिन फांसी की रस्सी टूटने से उन्हें 2 मई 1848 को अहमदनगर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उनके इस अतुलनीय बलिदान को समाज युगों युगों तक याद रखेगा। उन्होंने क्रांति की जो ज्वाला जलाई थी उसी से प्रेरणा लेकर बाद में कई क्रांतिवीर रणभूमि के लिए लड़ने के तैयार हुए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आदिवासी से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदिवासी मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।